नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज देवी। आज हम रेसिपी नहीं बताएंगे आपको, करके दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर शाम के 5 बज गए हैं और लगी है पेट में बहुत तेज से भूख, तो चलिए बनाते हैं। मैश कर लेना इसको अच्छे से, और आलू को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, 70-80% बॉईल करना है। यहाँ पे ऑनियन चॉप कर लेंगे, पहले ऑनियन एकदम बारीक चॉप करना है। हमने ऑनियन चॉप कर लिया है, टोमेटो चॉप कर लिया है, चिली है, लहसुन है और अदरक है। ये मैंने धनिया ले लिया था इसमें चटनी के लिए, और एक स्पेशल और बनाने वाले हैं, पता है क्या? चीज सॉस बनाने वाले हैं। ये चलिए गई गार्लिक, इसमें जिंजर, इसको रख देते हैं साइड में, मिक्स कर लिए इसको। और ये क्या आ गया, दालों मिक्स करना है, टमाटर, प्याज, देसी प्याज को एकदम चॉप कर लेना है अच्छे से। अब इसमें होंगे मसाले ऐड, थोड़ा सा जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आपने निकाल लिया था जीरा पाउडर। अगर जीरा पाउडर नहीं होगा तो घर पे ही बना सकते हैं। जीरा को भून लेना है तवे पे और मिक्स कर लेना है। बाहर खरीदने नहीं जा रहे, लॉकडाउन चालू हो गया। थोड़ा सा जो है इसमें ऑनियन, ये सॉरी लेमन, लेमन का जूस, थोड़ा जाएगा नमक लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा पनीर, उसको ग्रेट कर लेना है। सैंडविच बहुत तरीकों से बनते हैं, जैसे कि जो स्टफिंग इसकी रहती है आलू और इसकी, उसको हम फ्राई भी कर सकते हैं नॉर्मली, जीरे से और राइस से भून लेते हैं। जैसे वड़ा पाव के वड़ा का आलू बनता है, स्टफिंग होती है उससे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आज बॉईल करके बस डाले हैं क्योंकि लगी है जोर से भूख और शाम की भूख कंट्रोल नहीं होती है। इसको हाथों से मिक्स कर लेना अच्छे से, स्टफिंग इसकी बॉईल ज़्यादा नहीं करना आलू, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएंगी, बनाने जाएंगे सैंडविच बन जाएगी खिचड़ी। ये छोटे छोटे से ऐसे रहने चाहिए, जो ये आलू का फ्लेवर है खाने पे बाइट उसके आनी चाहिए आलू के। धनिया मिर्ची उसका पेस्ट इसमें डाल देना कलरिंग के लिए, तीखा पन भी इसमें आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सैंडविच का हो गया है, अब बनाएंगे हम चीज सॉस। यहाँ पे डाल जाएगा बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना। क्वांटिटी याद रखना, जितना बटर रहेगा उतना फ्लावर फ्लावर डाल देना। क्वांटिटी याद है ना आपको, बटर इतना ना फ्लावर। अब जाएगा इसमें मिल्क, फ्लावर के हिसाब से क्वांटिटी में लेना है मिल्क, और यहाँ पे चला जाएगा चीज, विदाउट चीज, चीज सॉस इनकम्प्लीट। इसके थिकनेस के ऊपर है आपको कितना मिल्क लेना है, अगर ज्यादा गाढ़ा जाएगा तो थोड़ा सा मिल्क ले लीजिएगा। हमारे बटर की बारी, बटर को लगा लेना है इस ब्रेड में अच्छे से, और बटर लगाओ नहीं जान दो लॉकडाउन ना। आप चाहें तो विदाउट टोस्ट भी बना सकते हैं, उसमें सिर्फ वेजिटेबल लेना है और ये मिक्सर डाल लेना है। हम बनाएंगे रोस्ट,
वो थोड़ा सा उठने लगी। जो ये तीखी मछली बनाई थी, तीखी चटनी लगा देंगे। अगर इतने मसाले आपके पास ना हो तो आपको करना है मैगी मसाला होगा, मैगी मसाला डाल देना। और बना के जरूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक तो पता ही होगी ना आपको, आईडी। बस यहाँ पे थोड़ा और पनीर ग्रेट करके डाल देंगे और मैंने हमारा चीज, आपको चीज क्यूब लेना है चीज क्यूब ले लीजिए, या फिर मोज़रेला चीज डालना है मोज़रेला चीज डाल लीजिए। मैंने डाल लिया है चीज क्यूब, तो थोड़ा सा डालना है, फिर ऊपर से ही गार्निशिंग करना है इसका। ये कवर कर लेना है चीज से, थोड़ा हल्का हाथों से प्रेस करना है, हल्के हाथों से, ज्यादा नहीं है, ऊपर स्टिक ना हो। और बस रख देना इसको अच्छे से। यहाँ पर सैंडविच बन के रेडी। हमारे चीज पनीर सैंडविच रेडी हो गई है, ये देखिए। और ये रही हमारी चीज सॉस। चीज सॉस मैंने फर्स्ट ईयर में बनाना सीखा अपने स्कूल। वेट वेट वेट, अभी बहुत बाकी है। ये देखिए, ये रहा हमारा चीज सॉस। फिर हमारे स्नैक्स बनके रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टैग करना भूलिएगा मत। कैसे लगा ये बताइए हमको।